नमस्ते विद्यार्थियों, धोरण चार विषय हिंदी। आज आप पुनरावर्तन एक भणीशुं। दरेक विद्यार्थियों पास चोपड़ी छे ने, तो पोतानी चोपड़ी खोलो अने चोपड़ी में ध्यान आपो। प्रश्न एक, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्द में लिखिए। तो आपणे गिनती पाठ में 120 तक के जो अंक थे, अंक और शब्द दोनों में हम लोगों ने पढ़े हैं। तो 1 થી 20 ना अंक छे ए तमारे अहीं गड़ी अंक आपेला छे अने तमारे तेनो हिंदी शब्द तमारे लखवानुं छे। तो पहलो अंक कयो छे? 5। हिंदी में आपणे 5 लखीशुं। पछी आ कयो अंक छे? 6। एना पछी कयो अंक छे? 9। 11 અને આ કયો અંક છે? 12। 13 15 આ કયો અંક છે? 15 15 એટલે 15। 17 18 19 19 એટલે 19। પ્રશ્ન 2, તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ચોપડીમાં જે અંક આપેલા છે એ અંક હિન્દી શબ્દમાં તમારે લખવાના છે। वर्ण को पढ़िए और लिखिए। प्रश्न 2 में अँ वर्ण आपेला छे, तो दरेक विद्यार्थी एने वाँचवानुं छे अने सादा अक्षरे लखवाना छे। क फ प य ख च ज झ ट ढ ब ल म भ ग द ग क्ष। तो दरेक विद्यार्थीओए आपेला वर्ण छे वाँचन करवानुं छे अने चोपड़ीमां तमारे चोपड़ीमां सारा अक्षरे लखवानुं छे। प्रश्न 3, अ चित्र देख कर शब्द लिखिए। प्रश्न 3, ये किसका चित्र है? सब बच्चे उसको पहचानते होंगे, ये किसका चित्र है? तोता। तोता इटले पोपट। ये किसका चित्र है? खरगोश। खरगोश को आपने देखा होगा ना, तो खरगोश इतले सुके वासे ससलू। ससलू कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। ये किसका चित्र है? कबूतर। तो कबूतर को भी आपने देखा होगा। और ये किसका चित्र है? कौवा। कौवा यानी कि कागड़ो। तो कागड़ो पण दरेक विद्यार्थी जोयो छे। ये किसका चित्र है? फूलगोभी। फुलेवर, तो अमे फुलेवरनुं शाक खाव छो, तो ये फूलगोभी। फुलेवरने शुं कहेवाशे? फूलगोभी। ये किसका चित्र है? कछुआ। कछुआ एटले काचबो। और ये किसका चित्र है? गिलहरी। गिलहरी एटले खिसकोली। खिसकोली पण आपणे घरनी आजूबाजू कोई झाड़ पर जोवा मळे छे। और ये किसका चित्र है? कौन सा फल है ये? आम। और आम तो सभी बच्चों का प्रिय फल है, तो ये आम है। और ये किसका चित्र है? पपीता। पपीता यानी कि पपई। ब, उपयुक्त चित्रों को देखकर 5 वाक्य बनाइए। तो पहला जे चित्रों ने अनुसार आपणे सब वाक्य बनायेला छे, दरेक विद्यार्थी तेनुं वाँचन करवानुं छे अने चोपड़ीमां पण लखवानुं छे। मछली पानी में रहती है। मछली पानी में रहे छे। मैं साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता हूँ के जाती हूँ? छोकरो हसे तो जाता हूँ आवशे, छोकरी होय तो जाती हूँ आवशे। मैं हूँ साइकिल पर बैसीने स्कूले जाऊँ छू। तोता टॉप टॉप करता है। नींबू खट्टा होता है। तो नींबू केवू होय छे? खट्टू होय छे। कौवा काले रंग का होता है। कागड़ो काला रंगनो होय छे। प्रश्न 4, और नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाए। जो यहाँ पर जो वर्ण दिए गए हैं उस वर्ण का उपयोग कर हमें शब्द बनाना है। तो क, क से कमल। तो कौवा भी होता है, कबूतर भी होता है, कविता कोयल। म, म से मकान। मोर, मोटर, मगर। प से पतंग।
पेंसिल भी होती है, पलंग, पिस्तौल, पिस्तौल यानी कि बंदूक में जो इसका उपयोग होता है ना वो, रस्सी रस्सी, राजकुमार, रजाई, रथ। ब, नीचे दिए गए शब्दों का उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है, राजा तो राजा का रानी, लड़का लड़की, तो शिक्षक तो शिक्षिका, बंदर तो बंदरिया, मोर तो मोरनी, माता तो पिता। यहाँ पर एक वचन दिए गए हैं, एक वचन बहुवचन करवा, लड़का एक वचन में तो लड़के बहुवचन में, घोड़ा घोड़ी, बच्चा बच्चे, तितली तितलियाँ, मछली मछलियाँ। फरी से विद्यार्थियों, घोड़ा तो घोड़ा नु बहुवचन घोड़े थे, घोड़ा नु बहुवचन शू विद्यार्थियों घोड़े, घोड़ी एनु लिंग परिवर्तन हतु पर घोड़ा नु बहुवचन घोड़े थे, बच्चा नु बच्चे थे, तितली नु तितलिया बहुवचन और मछली नु मछलिया। दरेक विद्यार्थियों प्रश्न एक थी चार चौपड़ी में नोट में बने में लखवानू छे।